बीमारियाँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, चिल्ड्रंस, टीनेजर्स और एडल्ट्स, और अनकंट्रोल डायबिटीज़ की भी वजह से ऐसे पेशेंट्स के आँखों पे, किडनी और लीवर पे असर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एलोपैथिक में बहुत सारे टैबलेट्स, केमिकल टैबलेट्स यूज़ होते हैं, इंसुलिन यूज़ होता है, लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है। सिंपल हर्बल मेडिसिन से भी आप शुगर लेवल नॉर्मल कर सकते हैं। उसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस रोज़ पेशेंट्स को पिलाया जाता है। अश्वशिला की टैबलेट एक एक सवेरे शाम दी जाती है। हल्दी वाले दूध में शिलाजीत ड्रॉप्स 3 से 5 सवेरे शाम गाय के दूध में दिया जाता है। और बादाम रोगन या फिर आलमंड ऑयल्स के 5-5 या 10-10 घंटे सवेरे शाम दूध में मिलाकर दिए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को एलोवेरा और दूधी, पीपल के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते और सदाबहार के पत्ते, फूल, ऐसे सब मिला के उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसका जूस रोज़ सुबह शाम, और शुगर लेवल अगर 300 से ज़्यादा हो तो दिन में 3 या 4 बार पिलाया जाता है। पेट पे एलोवेरा का लेप किया जाता है या फिर वेरियस मेडिकेटेड पैक्स चेस्ट और एब्डोमेन और बैक पे पेशेंट को लगाने के लिए दिए जाते हैं। अगर शुगर लेवल 300 और 400 से ज़्यादा हो तो पेट पे कंटिन्यूसली पैक 12 घंटे 24 घंटे लगाने के लिए रखा जाता है, जिससे कि लीवर, फैटी लीवर और पैंक्रियाटाइटिस हो तो तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। सुवर्ण भस्म, मौक्तिक भस्म, रौप्य भस्म, वंग भस्म और प्रवाल पंचामृत, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होती हैं, जो कि गाय के दूध के साथ रोज़ पिला के डायबिटीज़ नॉर्मल किया जाता है। थोड़े दिनों में, 15 दिन 1 महीने 2 महीने में फास्टिंग लेवल नॉर्मल हो के थोड़े दिनों में पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं।